बहू, अरे जल्दी कर, आ गए ये लोग। आए रे अम्मा। हाउ हाउ विनी अंकल, देखो कैसे शर्मा रहे हैं। कीपिंग कलर्स ना। बरना बुलाए बरनी नाए, आजा मेरी प्यारी बरनी, अटरिया सुनी पड़ी। वाह मम्मी। जीजा जी खड़े हैं, बड़े मन चले हैं, मुझे है उनकी नुकली जो बन पर चुभती बड़ी। हाउ हाउ। रबड़ी खिलाऊं, जलेबी खिलाऊं, आजा मेरी प्यारी बरनी, अटरिया सुनी पड़ी। खड़ी है बड़ी नक्चड़ी है, नाक पे न टिकने दे मक्खी, कैसे आऊं बेनी। बहुत बढ़िया, बहुत गुड, माय गॉड। लो भैया, आज से बेनिया भी पराया है गो। जाकी ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है। खुश रहे। आओ आओ सुन, अम्मा को आशीर्वाद तो है ही ससुर, लेकिन थोड़ी बहुत हमें भी तो क्रेडिट दे ससुर। यार तू मेरी जान है। अच्छा सुन, वैसे हमें पता है कि तू कई सालन से बहुत भरो बैठो है अंदर है, लेकिन एक ही साथ पूरू राय तो ना फैला दइए, थोड़ी बहुत सबर कर लीजिए, नहीं तो साली जी को एक ही साथ में उल्टियां शुरू हो जाएंगी। विमलेश, हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम बगल में रहे हो हमें आए। एग्जैक्टली, बट ओनली वन थिंग कमिंग इन बिटवीन, मीनिंग माय ब्यूटीफुल विमलेश मौसी एंड माय ब्यूटीफुल मदर, दिस वॉल। पर यो दीवार भी कैसी दीवार से, मतलब जब भी बेनी अंकल और मौसी का झगड़ा होवेगा, मौसी तो दीवार फांद के हमारे घर आ जाए। अरे याद कर, अरे जाको घर है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। अरे नहीं नहीं चाची, यहीं रहे फिलहाल तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम भी सदियों से तन्हाई तो हैं। ज्यादा ही उतावला हो रहा है, बहुत तो चल रहा जो। ये सब विमलेश मौसी आई है इसलिए ना। हाँ बेटा मत मत। बेनी अंकल, हमारे एहसानों को भूल मत जाना। अरे तूने बड़े एहसान कर दिए, बिलांद भर की धरी है एहसान कर रही है। अरे नाना जख मतलब है तू कि मम्मी पापा ने जो एहसान करी है बेनी अंकल पे, विमलेश मौसी से शादी करा दे। हाँ, सही बात है ना बेनी अंकल। चुप रहो, कछु भी बक रहे हो। अरे बेनिया पे का एहसान होगा, हुए हमारा बेनिया अच्छा खासा लौंडा है, है? जाकी का दो नाक है, आड़ो तिरछो है, जाके दांत 3 फुट आगे हैंगे। अच्छा चलो गृह प्रवेश को टाइम निकलो जा रहा है। आओ विमलेश, तुम आओ जे कलश को नेक ठोकर मारियो, मेरे तुम पीछे रही हो। एक जगह ठहर जाओ अम्मा, ऐसे नहीं, ऐसी ऐतिहासिक पल को ना वीडियो बननू चाहिए तनक है। लोटा में लात। एक सेकंड ठहर जाओ। अरे दादा नीचे तो शूट करेंगे, शर्माओ मत, गो फॉर इट, आ जाओ। बहुत बढ़िया, विमलेश मारो। अरे दादा इतो भी जोर से ना मारनो है तो। अरे हाँ बुआ, तेरे बर्फ लगा ले।
लल्ला का माथा ही फोड़ दो, घूमड़ू पड़ गो। अरे चल आ जा। No, but mother, why Bimles mosi kicking this lotus so hard? कचोनी बिमलेस आ जा अंदर आ जा। ऐसा सगुन होता है? My God, father dropping phone. मासी! फर्रो है कचोनी पर आओ। बड़े भैया हाँ लिटिल बिट मेरे ख्याल से जरूरत तो पड़ेगी। ला 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 माय गॉड मीनिंग बिमलेस मासी मीज वेरी मच एक्साइटमेंट दैट मीज वाचिंग यू आफ्टर लॉन्ग 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 मेनी 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 टाइम अगो यार। बेटा अपनी इंग्लिश ठीक कर लो, मैं कोई टीवी नहीं हूँ जो मुझे वॉच कर रही हो। ओ कम ऑन बिमलेस मासी, दिस इज माय टाइप ऑफ इंग्लिश, मीनिंग गेट इंग्लिश इन योर इंग्लिश एंड यू नो नॉर्मल पीपल इंग्लिश दे सेइंग दैट माय गॉड आई एम सो हैप्पी टू सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट इन माय एंड कमलेस टाइप ऑफ इंग्लिश मेज वेरी मच एक्साइटमेंट फॉर वॉचिंग यू आफ्टर मेनी 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 टाइम अगो। केट पूरी अंग्रेजी तुम आधे ही सुनाई हो कि कछु ना बाद के लिए छोड़ देना बेटा। हां अभी तुम्हारी चाची हो गई है, पूरे जिंदगी भर पड़ोस में रही है, आई बस समझ में। माय गॉड चलो जा अब। ओके माउस आई विल सी यू लेटर। माउस माउस मतलब तो चूहा होते हैं। अरे बोलने देना रज्जो, बच्ची है तू, कुछ भी बोल मुझे, मौसी माउसी मो जो भी बोल रहा है बिंदास रहा कर मेरे साथ एकदम। Me loving you, mouse. See you. और रज्जू जीजू कैसे? अरे तुम तो जानती हो जीजा को अपने, हाँ नौना ठहिए ऐसी थोड़ी अम्मा में पैदा कर दें उनने। तुम आओ पाला तो सांड से बहु है। अरे मतलब कि तू मुझे विश करने आई है कि डराने आई है? ना ना हम तो बस ऐसी सावधान कर रहे थे मिन्नो तुम। मतलब? मतलब तुमने भालू देखो है? अरे जो जंगल में होते हैं भालू। हाँ बाको अगर तुम 6 महीना पिंजरा में बंद कर दो तो वो कैसे तुम बौखलाएस हो जाते हैं। हाँ बाहर आए किसी दे और सोच लो कि जो बेनी है ना 25-30 साल से तुम्हारे नाम की माला जप रहो है तो वो जब बाहर आए। रज्जो तूने तो मेरे घोड़े खोल दिए। अरे अबे तुम देखो आगे का का खुलते हैं। का तुम दांत निकाल रही हो ना, तो कंट्रोल कर ले। ऐसा है रज्जो मैं भी बदायूं की बहादुर लड़कियों में से हूँ, भालू का रतालू ना बना दिया ना तुम मेरा नाम नहीं। तुम पे तो हमें गर्व है बिटिया। हाँ हम जो कह रहे हैं सुना, तुम लोग ना फैमिली प्लानिंग जो है ना वो सब सोच समझ के कर लियो कि 1 साल में करने हैं, 6 महीना में करने हैं कि कल ले परसों तुम्हें उल्टी करने हैं सब। है ना। बाकी बात एक इम्पोर्टेंट बात और है। क्या? सुनो जो हम कह रहे हैं ना कि जो बेनी है ना नेक मियादी है, ठीक है, तो अगर आजकल में कुछ होएगा तो होएगा, फिर ना जाने तुम बाद में उल्टी कर पाओ कि ना कर पाओ। आज ही कर लेंगे हम तो सब। इतो नहीं उचकने ना कंट्रोल कर ले आज ही नहीं ना। तो जैसी आए थोड़ा इतराओ पल खाओ ठीक है, और फिर जब कुत्तन जैसे तुम्हारे पीछे घूमे ना डोले ऐसे ऐसे तब ना एक दो कर दियो ठीक है। वैसे हम ज्यादा नहीं बताए हैं, हमें शर्म आता है, हमारे दरोगा जी तो ना हम जा रहे हैं पागल पीछे पड़ जा। शादी मेरी और इसको देखो। और ले बहकने का खतरा है। क्या बोलो? बहकने का खतरा है। यार तू यार बहनी तू यार कौन सी कहू, भाभी के कमरा में जा रहा हुआ पड़ोस की, तू अपनी बीबी के कमरा में जा रहा हुआ
और अपनी बीवी के कमरा में जाके तो को बहकने को पूरो हाके यार। सुन, लाइसेंसी है, गुप्ती थोड़ी है, हैं? अरे यार चुमुलाल, हमको ना बहुत नर्वसनेस हो रही है। देख बेटा, क्रिकेट और रोमांस में ना असल बात तो यही है कि नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो तूने करी ना है। चुमलाल तुम तो जानते हो, हमने आज तक मतलब वन डे, टू डे, थ्री डे, T20 कोनो मैच नहीं खेले यार। तब तो ऐसा है, तेरे आउट होने को ज्यादा चांस है। क्या बात कर रहा है? हमारा तजुर्बा है सर। मतलब तू मेरे वाले प्लेयर के साथ मैच खेल चुका है? ये तेरा दिमाग खराब हो गया का? कैसी बात कर रहा हूँ, जबकि तू जानते है, अच्छी तरीके से जानते है कि विरोधी टीम को जो एक खिलाड़ी है, बाकी साथ में हम बड़े बड़े हर तरीके के मैच खेल चुके हैं। और सुन, ऑलमोस्ट सारे मैच हारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। और अब सुन ध्यान से हमारी बात, ये दोनों मेंबर एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। और सुन, तेरे सामने जो प्लेयर है गो ना, वो ज्यादा मजबूत है गो। यार थोड़ा ज्यादा टिप दियो ना। अच्छा ठीक, एक सेकेंड, पहले खींच, एक खींच। और सुन हमारी बात बैनी, एक कुशल बल्लेबाज ना कौन हो तो है, जो जाते ही मतलब ग्राउंड पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ना करे। पहले जाए तसल्ली से, पहले टिक के खेले। बॉलर की सारी गेंदें पहले परख ले बॉल। और सुन, जब आंखन में बात जम जाए, समझ जाए कि हर टाइप की गेंद अब समझ जाएंगे, फिर बाकी बात पूछ ककन ने। ले चौका, ले छक्का, ले चौका, धुआं काट देना फिर हैं। एक मिनट चुमुलाल, अगर सामने वाले प्लेयर ने हम पे मतलब स्पिन बॉल डालकर हमको आउट कर दिया तो? अगर बॉलर ने स्पिन फेंक दी ना, तो तेरु सबसे पहलू काम जो है स्पिन बॉल टप्पा ना खा पाए। बाकी टप्पा खाने से पहले ही तू वापे अटैक कर दे। कैसे, अगर एक बार टप्पा खा गई और तू अटैक में लेट हो गई ना, तो बॉल सारे सीधी तेरे गुर्दन में घुस, नहीं मतलब विकेट में घुस जाएगी गेंद। दिल खत्म, बस। हाँ ले ले, नहीं नहीं इतनी नहीं दादा, ओ हाओ हाओ। सुनो चुमलाल, ऐसा है कि मैच तो जब होता रहेगा तब तक होता रहेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, मतलब कोई एक शेर सुना के शुरू करें क्या? हमें पता तो कि तेरे अंदर जो शायर घुसो है ना, वो अब तक बाहर का ही नहीं निकल रहा। करो फिर अपनी मर्जी की करो, फिर हमसे ना पूछो। नहीं नहीं, कर ली ना मर्जी, कर ली। सुन ले, खुजली हो रही ना गर्दन में। हम ये बोल रहे हैं कि अगर गालिब साहब की शायरी, गालिब तो पता ही होगा ना बिमलेश को, समझदार बच्ची है, तो आगाज जो है गालिब साहब के एक शेर से करते हैं, कैसा रहेगा? कर लू फिर। अच्छा सुन एक चीज और, जब प्रवेश करे ना द्वार से, नहीं जो तो अबे ऐसा हो गो, जब हमने तोड़ो तो मेरे को टन टन ना, तू ले। क्या बात है, गरम गरम लग रहा हूँ। हाँ चलो, शादी के बाद भी हमारे ही पप्पी ले रहो, या गो कछू ना हो पाए गो। मैनी, हेलो अंकल। ओ अंकल, इतना क्यों उतावला हो रहा से? अरे किड मलाइका, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम लोग जाओ, बाहर जाके खेलो कूदो। या वी खेलिंग एंड कूदिंग, बट बिफोर दैट यू गिविंग अस 10,000 ईच, एंड आफ्टर दैट यू सेलिब्रेटिंग योर हस्बैंड नाइट। हस्बैंड नाइट मतलब? अरे हस्बैंड मतलब सुहाग,
और नाइट का मतलब तो तू जानता से ना, आफ्टर ऑल इतना बड़ा वकील से। लेकिन ठीक है, लेकिन 10,000 रुपए कौन देता है? मतलब 10,000 रुपए तो टोटल हमारी शादी में भी नहीं खर्च हुआ है। Really? Actually, then you're doing one thing, my uncle. Then you're giving us 50,000 each because हाँ. you're not even doing any खर्च in your शादी, you're saving all money, ना? अरे क्या खाक सेव, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम लोग क्या खाम खा के बातें कर रही हो, जाओ भाई। ना एक मिनट, जब थारे पास पैसे ही ना से तो तू मौसी को क्या खिलाएगा? Exactly, my uncle. Malaika is right. What my beautiful mouse eating? है? Leaf of घुइया? अरे देखो, अपनी मौसी का चिंता करने की तुम लोग को ज़रूरत नहीं है। वो अब उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो उसका ख्याल हम रखेंगे। कहें कि हर एक सुख सुविधा का ख्याल रखना अब हमारी ड्यूटी है, हैं? तो तुम लोग जाओ और ये लो एक। दस दस रुपए रखो और वो चाट मसाला खा लो। ओके से बस 10 रुपए, इसमें क्यों होएगा? What is my uncle meaning? What happening in 10 rupees? बेनी, कहाँ होएगा? अरे इन बच्चों को समझाओ, मतलब नेक के रेट जो है काफी हाई करके रखे हैं, मतलब पर पर्सन जो है 10,000 रुपए। Giving only 10? बेटा ऐसा ना करो, तुम्हारे जो बेनी अंकल ना बहुत ज्यादा गरीब हैं, खाने पीने को ना बहुत ज्यादा मोहताज हैं। इनके घर के अंदर जो चूहा रहते हैं ना बेटा, बेऊ फास्ट कराते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम राजेश? और नहीं तो क्या बहने, तुम्हारी जो शादी है बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक पल है। पड़ोस के जो मोहल्ले के लोग हैं ना, मतलब कोमा में चले गए जब बात सुन के। क्या है, बहने की शादी कैसे हो गई? कैसी बात कर रही हो? शुक्र मनाओ भगवान को और हमाओ कि हमने अनहोनी को होनी कर दो भाई, बस समझ में। वरना तुम्हारी जो शादी सवालिया आती। राजेश एक बात बताओ, क्या तुम इस बात का एहसास मुझे जिंदगी भर दिलाते रहोगी? अभी क्या सेवा करूं? चुपचाप 30,000 रुपया दो, 20 इन बच्चन के और 10 हमारे। कैसे, हम तुम्हारी इकलौती साली हैं, आई बस समझ में। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है बिमलेश कि आज तुम मेरे सामने बैठी हो। राजेश ने कहा था कि तुम बहुत शरारती हो और तुम्हें मजाक करने की आदत है। घूंघट भी उठाओगे या ऐसे ही बातें करते रहोगे? सॉरी सॉरी, वो मुझे आदत नहीं ना, मतलब एक्चुअली मेरी पहली सुहागरात है तो। मेरी पांचवी क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि इंसान को सिर्फ एक ही बार जिंदगी में सुहागरात मनानी चाहिए और वो भी सिर्फ अपने वाइफ के साथ। और अगर दोबारा मना ली तो कौन से घोड़े खुल जाएंगे? नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इंसान चाहे तो दिन में 10 बार सुहागरात मना सकता है। मतलब सारे काम धंधे छोड़कर इंसान सिर्फ सुहागरात ही मनाता रहे? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो कहा तुमने, दिन में 10 बार सुहागरात मनानी चाहिए। तुम ना मुझे, मतलब तुम ना मुझे बातों में फंसा रही हो। फिलहाल तो घूंघट उठाइए। हैं? उठा दूं? उठा दो। अब हाँ बस। अरे इनके तो ऐसे ही घोड़े खुल गए। अभी से ये हालत है तो फ्यूचर में लगता है कोमा में जाने का इरादा है इनका। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, बिमलेश, जो अभी तुमने चुड़ैल का चेहरा दिखा के मुझे डराया ना, मैं एकदम डर गया था क्योंकि मुझे चुड़ैल के चेहरे से बहुत डर लगता है।
चुड़ैल्स ने आपके साथ कुछ कुकर्म कर दिए थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। मैं दूध का दूल्हा हूँ। लेकिन क्या हो ना, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई कर रहा था, तब केपीयूसी हॉस्टल में रहता था, और 5 नंबर रूम में ना चुड़ैल भी रहती थी मेरे साथ। जब जब मैं उस कमरे में घुसता था, वो चुड़ैल मुझे जबरदस्ती डराया करती थी। मैंने तो एक तंत्र मंत्र का सहारा लेके उस चुड़ैल को किसी तरह से दूर भगा दिया, लेकिन फिर भी बचपन से ना मेरे दिल में अभी भी चुड़ैल के लिए डर बसा हुआ है। अब मैं आ गई हूं ना, चुड़ैल का डर भगा दूंगी और अपना डर तुम्हारे अंदर घुसा दूंगी। जी जी। अच्छा, वैसे और क्या क्या हॉबीज है आपकी? मेरी इधर उधर घूमना फिरना, किताबें पढ़ना। ऐसी वैसी किताबें भी पढ़ते हो क्या? नहीं चीची, मैं तो अब शेरो शायरी की किताबें पढ़ने का शौक फरमाता हूँ। अरे वाह, अब शायरियां तो मुझे भी बड़ी पसंद है। हाँ सुनाइए ना। सुनाऊ? अर्ज किया है? मैंने कोई कर्ज नहीं लिया है। नहीं नहीं, अब अर्ज किया ऐसा शायरी जब भी शुरू करते हैं उससे पहले अर्ज किया है कहा जाता है, हैं? तो अर्ज किया है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। टॉयलेट शायरी है ये? नहीं नहीं, ये तो गालिब की शायरी है। गालिब कौन? वो शकुरे को लौंडा? इतना लड़कियां छेड़ता है ना वो, एक नंबर का साला बदतमीज। अपशब्द, सॉरी। नहीं नहीं, आप किस गालिब की बात कर रही हैं? वही भट्टी वाला ना? नहीं नहीं, ये वो गालिब नहीं है। तो कौन सा गालिब है? असदुल्ला खान गालिब। हाँ हाँ, वो भट्टी वाला ना? नहीं, बल्ली मारान वाला। हाँ वो भट्टी वाला ही, इटाड़ी बेचता है जो, वो भी लड़कियों का पीछा करता है। चेपू साला, दिया था इटाड़ी फेंक के एक दिन उसके मुंह पे, यहाँ पे गुमा कर दिया था मैंने। आप कैसी बात करें मोहतरमा? हिंदी में। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, तुम कितने बदतमीज लोगों के साथ उठते बैठते हो। यार रज्जो ने कहीं फंसा तो नहीं दिया मुझे क्या?